भाई साहब द ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की फाइटर के साथ लोगों की यानी फैंस की बहुत उम्मीद थी कि भाई ये बंदा आएगा और सॉलिड कमबैक होगा और ये मूवी 1000 करोड़ ठोंक के जाएगी, क्योंकि हमने 1000 करोड़ का जो जॉनरा पिछले साल देखा है भाई बिल्कुल हलवा, जहां बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की मूवीज को 500 करोड़ टच करने में बहुत ही गुत्थम गुत्था करने पड़ती थी, लेकिन पिछले साल भाई एक नहीं दो नहीं तीन चार मूवी जो आई हैं 1000 करोड़ कोई टच करके गया है, कोई 900 या स्लाइटली 1000 करोड़ टच करके गया है। वही चीज़ वही एक्सपेक्टेशन वही होप भाई फाइटर मूवी से भी करी जा रही थी, क्योंकि मेन लीड पर ऋतिक रोशन देखने को मिल रहे थे, डायरेक्टर जो भाई बड़ा नाम सिद्धार्थ आनंद ये नाम जो इस मूवी के साथ जुड़ रहा था, तो ऑटोमेटिक लग रहा था कि भाई आएगी मूवी ठोंक के इजीली चले जाएगी। लेकिन भाई इस मूवी की हालत ये हो रही है कि 300 करोड़ भी कंप्लीट करने में भी इस मूवी को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूवी हिट नहीं हुई तो भाई ऋतिक रोशन का स्टारडम खत्म हो गया। भाई क्रिस 4 एंड वॉर 2 ये दो मूवी ऐसी होने वाली हैं ऋतिक रोशन की जो डेफिनेटली भाई 1000 करोड़ ठोंक के जाएंगे, यानी 2 मूवी 2000 करोड़ कहना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि भाई पोटेंशियल है इस फ्रेंचाइजी के लिए, जो फैंस हैं बेसब्री से इंतजार हैं और इन दोनों मूवी से जुड़ी छोटी सी छोटी अपडेट के लिए लोग तिल मिला रहे हैं, यानी फैंस जो हैं इसके डाई हार्ट फैन भाई तिल मिला रहे हैं कि बस छोटी सी अपडेट ही मिल जाए और मजा आ जाए भाई, तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि दोनों मूवीज से रिलेटेड बिग अपडेट आपको देने वाला हूं और जल्द ही ये दोनों मूवी आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब क्रिस 4 की बात करेंगे, 2003 में इसका स्टार्ट हुआ था, 2013 में ये मूवी मतलब लास्ट जो क्रिस 3 आई थी वो खत्म हुई थी, लेकिन आज अभी 10 साल होने वाले हैं और उसके क्रिस 4 के लिए कोई भी अपडेट फिलहाल ढंग से तो नहीं है। लेकिन भाई साहब रिसेंटली पिंक विला के इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने ये डिस्क्लोज किया कि इस साल के अंत तक यानी 2024 के अंत तक हमें टीजर पोस्टर या कुछ भी बिग अपडेट हमें देखने को मिल सकती है और जल्द ही फैंस को क्रिस 4 भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करी थी कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत टाइट है, दैट्स वाई कि क्रिस 4 पर उतना अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा वॉर 2 की बात करें, जिसने डिस्क्लोज कर दिया है कि 2025 में हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी, कब? मार्च में, जो अगेन सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में ही इस मूवी को कंप्लीट करा जाना है। और वॉर 2 के लिए लोग इसलिए भी इतना ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्र है, क्योंकि भाई साहब इसमें वायरफ की जो अदर फ्रेंचाइजी है लाइक पठान और टाइगर, उनकी तरह कोई पाकिस्तानी फालतू का भाईचारा या कनेक्शन नहीं है, कोई बेहुदा लव एंगल नहीं है, दैट्स वाई की फैंस भाई इस स्पाई यूनिवर्स के लिए, वॉर 2 के लिए, ऋतिक रोशन बाबा के लिए यानी अपने ग्रीक गॉड के लिए इंतजार कर रहे हैं। दूसरा जूनियर एंटीवार जो एज विलेन हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं, भाई साहब इन दोनों ये दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है इसके लिए तो लोग पहले ही वेट कर रहे हैं, जो भाई सिर्फ बॉलीवुड में नहीं पैन इंडिया में नहीं, मुझे लग रहा है ग्लोबली ये मूवी हिट करके जाएगी और फाड़ के जाएगी। दूसरा वॉर 2 के लिए लोग इतना बेसब्र इसलिए भी हैं क्योंकि भाई साहब इसमें जो डायरेक्टर है वो अपने आप को एवरी टाइम इम्प्रूव करता है, प्रूव करता है, जो हमें पठान में देखने को मिला था, जो कहीं ना कहीं विजुअल इफेक्ट या वीएफएक्स में कुछ कमी देखने को मिल थी, लेकिन फाइटर में वो बहुत इंप्रूव होके आया। लेकिन आई डोंट नो फाइटर क्यों हिट नहीं हो पाई, इस मूवी को 300 करोड़ भी कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है, लेकिन ये मूवी बाय गॉड 1000 करोड़ डिजर्व करती थी, क्योंकि कहानी कंटेंट में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, विजुअल इफेक्ट्स में कोई कमी नहीं है, जिस हिसाब से ला सकते थे वही हिसाब लेके आए हैं। लेकिन भाई वॉर 2 के लिए वेट है क्योंकि ऋतिक रोशन बाबा अपनी एक्टिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपके बारे, भाई दोनों में से कौन सी मूवी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मूवी हो सकता है एक के बाद एक हमें देखने को मिल जाए, लाइक जब शाहरुख खान हमें देखने को मिले थे एक ही साल में 3-3 मूवी, हो सकता है ये दो बड़ी मूवी एक ही साल हमें अगले साल भी देखने को मिल जाए। तो इससे जुड़ी अगर और भी बड़ी अपडेट आपके पास है तो वो भी शेयर करके जाना हमारे साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहिए।